हेलो, वेलकम टू नाल चबिता से यूट्यूब चैनल से। तो ये हमारा सी शार्प की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इन सी शार्प। ठीक है, सी शार्प में कितने किस्म के ऑपरेटर होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और इनकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपेरिजन है, लॉजिकल है, और एक ऑपरेटर होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। राइट, ऑपरेटर क्या है? एक्चुअली ये इफ एल्स की शॉर्ट हैंड है। राइट, तो आप इसको सिंगल लाइन में टर्नरी ऑपरेटर को आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ और इसको मजीद देखते हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, ऑपरेटर्स इन सी शार्प। राइट, अच्छा, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। ठीक है, एक ऑपरेटर ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड आपके जैसे कुछ वैल्यू या वेरिएबल्स, और ऑपरेटर उस ऑपरेंड पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है आपके। ऑपरेटर्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज: अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड शॉर्ट हैंड इफ एल्स की। ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। राइट, तो ये कुछ कैटेगरी है इसकी, इसको मजीद हम देखते हैं आगे, बाइफरकेट करते हैं इसको। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपको पता है तकरीबन हर लैंग्वेज में सेम होते हैं, प्लस का एडिशन है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस है आपका, और मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये मॉडुलस है। अच्छा, आपका इंक्रीमेंट है, एक्स प्लस प्लस, और अच्छा ये डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ गए। उसके बाद है असाइनमेंट। ठीक है, जो भी वैल्यू किसी को आप असाइन करते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, एक्स इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो ये प्लस की शॉर्ट एंड नोटेशन है, इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको माइनस भी आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। मल्टीप्लिकेशन है आपकी, आपकी डिवीजन है, और आपका मॉडुलस है। राइट, तो ये आपके कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर थे। उसके बाद आपके कंपेरिजन, किसी भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे इक्वल टू, ठीक है, आपका ये है, नॉट इक्वल टू, आपकी ये इसी है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। तो ये सब कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। राइट, उसके बाद क्या है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज लेस देन 10। राइट, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, और अगर ये दोनों वैल्यूज़ एक्स लेस देन 5 एंड एक्स लेस देन 10, अगर ये दोनों ट्रू होगी तो फिर आपका एंड ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर इसमें कोई एक भी फॉल्स हो जाएगा तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। अच्छा, ये लॉजिकल और होता है, ठीक है, इन दोनों में से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। राइट, तो उसके बाद आपका था नॉट, अभी एक आपके डिसीजन को रिवर्स कर देता है। एक्स इज इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू, आप आगे नॉट लगा दें तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। राइट, और उसके बाद हमारा जो ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर, ये एक्चुअली क्या आता है कि वेरिएबल्स है, उसके बाद कंडीशन है, एक्सप्रेशन ट्रू, एक्सप्रेशन फॉल्स। देखिए, हम यहाँ पे देख ले, इंट टाइम इज इक्वल 20, स्ट्रिंग रिजल्ट, इसकी एक्सप्रेशन, एक मिनट। राइट, तो यहाँ पे क्या है, देखें हमने क्या किया, हम इंट टाइम को चेक कर रहे हैं, अगर टाइम इज लेस देन 18, ठीक है, तो आपको गुड डे का प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स होगी, ठीक है, तो आपको गुड इवनिंग आ जाएगा। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर, एक्सप्रेशन ट्रू, एक्सप्रेशन फॉल्स, और ये यहाँ पे आपकी कंडीशन आ जाती है, और ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है, इसको टर्नरी ऑपरेटर करते हैं क्वेश्चन मार्क को। राइट, तो ये क्या, फॉल्स ट्रू और फॉल्स आपको रिटर्न करता है। राइट, तो ये कुछ थे हमारे ऑपरेटर्स, तो इसको हम चलते हैं, हम लैब में देखते हैं कि हम इसको लैब में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले क्या है, हम मैंने कुछ कोड करके लिखा हुआ है आपको, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है आपका, एक्स इक्वल टू 12, एक्स इक्वल टू 5, आप ये इसको कर सकते हैं, आप
इंट कर दें और इसको आप प्रिंट कर दें कंसोल डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, आप इसको प्रिंट करा दें ए को, तो आपको प्रिंट करके दे देगा। ये सिंपल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं, इसको कर देते हैं और ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर आ गए, ठीक है। हमने क्या किया, आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर ये हैं, ठीक है, इंट ए इजिकल टू 11, बी इजिकल टू 2, ठीक है, और इंट डब्ल्यू एक्स वाई जेड और मोड, ये हम वेरिएबल लिए। हमने डब्ल्यू का ए प्लस बी, इसका हमने रिजल्ट शो कर दिया, और फिर हमने एक्स लिया ए माइनस बी, आपका माइनस, और ए इंटू बी आपने कर दिया, ए इंटू बी कर दिया, जेड है डिवाइड कर दिया, और आपने मॉडुलस पता है आपको रिमाइंडर देता है, तो ए मॉडुलस बी जो भी आएगा वो आपको प्रिंट कर देगा। तो इसको हम प्रिंट कर चला कर देखते हैं, ठीक है, ए प्लस बी 11 प्लस 2 13, ठीक है, सब्सट्रैक्शन करेंगे आप 13 माइनस 2 9, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 22 आ जाएगी आपकी, डिवीजन आपकी 5 आ जाएगी, क्योंकि ये डिवीजन वो आपका इंटीजर है तो डेसिमल वैल्यू नहीं ले रहा वो आपके, ठीक है ना। और मॉडुलस आपका क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 6 पे डिवाइड हो रहा है 12 आएगा, और एक आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके ऑपरेटर थे, राइट, ये आपके ऑपरेटर थे, आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इसको हम ऐसे डील करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को, राइट। उसके बाद कौन से हमारे ऑपरेटर है, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। आप कंपैरिजन ऑपरेटर को देखते हैं हम लोग, कंपैरिजन ऑपरेटर आपके कैसे काम करते हैं, इसको प्रिंट करके देखें हम लोग, फॉल्स आ गया आपका। देखिए हमने क्या किया, इंट ए इक्वल टू 11, बी इक्वल टू 12, और हमने एक बुलियन वेरिएबल ले लिए सी डी, ठीक है। सी में हमने क्या किया, ए इज लेस देन बी, अगर ये लेस देन बी है, कंडीशन ट्रू है या फ़ॉल्स है, तो ये आपको फॉल्स दे दी, ठीक है। अगर ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना, हम तो ये भी आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, और ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये क्या कंडीशन आपको रिटर्न करेगा, कंट्रोल F5 करें आप, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। ये ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है आपका, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है, हमने ये ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल किया। और अगर हम ये देखते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, ये भी आपको ट्रू रिटर्न करेगा, राइट, क्यों, ए इज़ ग्रेटर देन बी, लेस देन करेगा तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये आपके कुछ कौन से ऑपरेटर हैं, आपके कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं कंडीशनल, ठीक है, आपके पास ये कंडीशनल ऑपरेटर है, इनको देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ए इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन ट्रू है आपकी, मगर ये आपको फिर भी फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि हमने नॉट का ऑपरेटर लगा दिया है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या देखें, हम देखेंगे ए इज़ ग्रेटर देन एंड एक्स इज़ लेस देन 10, ठीक है, एक्स इज़ लेस देन 5, ठीक है, एक्स ठीक है ना, तो ठीक है, आप इसको कर दें ए, एक्स की वैल्यू छोड़ दें, ए कर दें, इसको भी आप ए कर दें, ठीक है, ए ए आ गया आपको, ठीक है, ये ए आ गया, ये ए आ गया, राइट।
तो देखें इसको हम रन करके देखते हैं। अब ये देखें, ये क्या हमने, ये था a इज़ ग्रेटर देन टू या इज इक्वल टू टू, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, मगर हमने नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया तो ये आपको कंडीशन उसने रिवर्स कर दी, फॉल्स दे दी, राइट। उसके बाद ये कंडीशन देखें एंड की, a इज़ लेस देन 5, ठीक है, एंड a इज़ लेस देन 10, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, मगर ये दोनों कंडीशन आपके ट्रू हो रही है तो आपको इसने ट्रू रिटर्न कर दिया बुलियन में, राइट। उसके बाद और है, a इज़ लेस देन 5 और a इज़ लेस देन 4, ठीक है ना, तो ये भी आपको इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि दोनों कंडीशन, इसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती तो वो फिर भी आपको ट्रू रिटर्न कर देता। उसके बाद क्या है, आपका एंड का ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, सॉरी ये आर का ऑपरेटर है आपका, एंड आपका ऑपरेटर नीचे है यहाँ पर, ठीक है ना, ये आर का ऑपरेटर है आपका, इसके साथ प्रिंट होगा आर के साथ, आर सी, ठीक है ना, तो ये ट्रू रिटर्न करेगी। अब दूसरा है, ए इज़ लेस देन 5 एंड ए इज़ लेस देन 2, ये तो ट्रू है, मगर आपने नॉट लगा दिया तो ये आपको भी नॉट की फॉल्स की कंडीशन रिटर्न कर रहा है, राइट। तो ये थे हमारे कुछ कंपैरिजन के ऑपरेटर, तो कंपेयर हम ऐसे कर लेते हैं इनके साथ, तो ये कुछ कंपैरिजन के ऑपरेटर थे हमारे। तो देखें हमने क्या किया है, ये नॉट का इस्तेमाल किया है, ये कंडीशन ट्रू है मगर हमने नॉट का इस्तेमाल किया है, नॉट के इस्तेमाल से ए इज लेस आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू है मगर नॉट इस्तेमाल किया तो आपकी ये रिवर्स होगी। अब ये दोनों कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए, ठीक है, ए इज़ लेस देन 5 भी ट्रू है, ए इज़ लेस देन 10 भी ट्रू है, क्योंकि दोनों राइट और लेफ्ट साइड दोनों ट्रू है तो ये ट्रू देगी। इस और में कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, लेफ्ट की हो या राइट की हो, और उसके बाद आपके पास आर में ये ऑपरेटर है, उसके बाद ये है आपके, आप रिवर्स कर रहे हैं इस एंड के साथ, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है ना, तो ये आपका डिसीजन को रिवर्स कर रहा है। एक्चुअली नॉट क्या करता है, आपका जो भी वैल्यूज होता है ट्रू, अगर ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, राइट। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर के। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, चलो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको मैंने पहले भी बताया था कि टर्नरी ऑपरेटर आपका अब इसमें देखें, इंट नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है, हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है, उसमें इज नंबर इज इक्वल टू, नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो आपको ट्रू गए, ट्रू इज नंबर, ट्रू इज 10, ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो ये आपको 10, आपको इज नॉट 10 रिटर्न कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको कंसोल पे ये प्रिंट भी करके दे देगा, ठीक है। इसको आप प्रिंट करें, देखें जैसे ये ट्रू है तो इसने आपको दे दिया, अगर इसको आप 11 कर दें, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये नंबर इज, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स है, नो 11 इज फॉल्स इज नॉट 10, ठीक है ना, तो ये आपको ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक्चुअली ये कंडीशन चेक करता है, ठीक है, ट्रू, ये कंडीशन चेक करता है, ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है, अगर ये ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा और अगर फॉल्स है तो ये रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये थोड़ी सी हमारी डिस्कशन थी अबाउट ऑपरेटर्स, और यूजुअली हर लैंग्वेज में, सी में आप जो भी आप लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें सेम ही होते हैं, तकरीबन आपको ऑपरेटर सब मिलते जुलते मिल जाते हैं हर लैंग्वेज में, राइट। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैंने आपको एक गो थ्रू दिया था उनके लिए जिन्होंने शायद पहली दफ़ा पढ़ रहे हो ऑपरेटर्स, तो या फर्स्ट टाइम वो कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हो कोडिंग वगैरह सीखना, तो ये उनके लिए लेक्चर था। अगर बाकी जो टेक्निकल, तो अंदाज़ा हो ही जाएगा कि ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, राइट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।